हेलो गाइस, मेरा नाम है शोम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेचरी। हमारा चारकोल रियलिज्म का सीरीज चल रहा है और आज हम वैल्यू के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको एक सिंपल फेज ड्रॉ करके बताता हूँ और फिर हम वैल्यू का इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। अब जनरली मैंने आपको डिटेल वाले वीडियो में ये बताया था कि अगर आप रियलिज्म अचीव करना चाहते हो तो ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ आप डिटेल ऐड करो उसमें। आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है फेस का, या फिर अगर आप लाइट एंड शेडो की बात कर रहे हो, या फिर आप चेहरे के वैल्यू के बारे में बात कर रहे हो, कंट्रोल पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए और जिसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको वही शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक फ्रंट फेस यहाँ पर बना रहा हूँ। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वैल्यू चाकुल के साथ, या अगर आप ग्रेफाइट के साथ भी करना चाहते हो, तो बेसिकली आप फ्री हैंड जो भी स्केचेस होते हैं वो आप प्रैक्टिस करें। और साथ में इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के समय आप टाइम ना डालें। आप ऐसा मत सोचें कि आप रियलिज्म बना रहे हो या फिर आपको रियलिस्टिक कुछ अप्रोच रखना है तो आपको स्लो या धीरे धीरे हर चीज़ बनानी पड़ेगी। हम यहाँ पे बेसिकली वैल्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, चेहरे के ऊपर लाइट एंड शेडो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसेस बनाएं और साथ में सिर्फ लाइट के ऊपर ध्यान दें या फिर सिर्फ वैल्यू के ऊपर ध्यान दें। मेरा बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया और उसके बाद अब मैं चाकोल से उसको शेड करने की कोशिश करूँगा। ये मैं अप्सरा का एक पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल अप्सरा। और ये मैंने जो पेपर यूज़ किया है वो ATGSM का सिंपल जेरोक्स पेपर है जो प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो आप भी सिंपल पेपर ले सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ब्रश्टो का पेपर या फिर सॉफ्ट पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपल जो हमारा जो बेसिक फेस का जो स्ट्रक्चर में जो जहाँ जहाँ पे शेड आता है मैं वो आपको डिफाइन करूँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप कॉन्टूर पार्ट डेवलप कर रहे हो, या अगर आप लाइट एंड शेडो डेवलप कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप डिटेल ऐड करते हो। आप पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल के बारे में बताया है कि डिटेल आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने डेमो वीडियो देखा है तो डेमो वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसिकली अगर आपको रियलिज्म अचीव करना है तो आपको जो वैल्यू है वो आपका करेक्ट होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए, एंड देन आप डिटेल उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप बड़े आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं तो आप देखते होंगे कि वो डिटेल के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। उनका जो स्ट्रक्चर है वो, और उनका जो लाइटिंग है, उनका जो वैल्यू है, बहुत ज़्यादा सही मतलब करेक्ट होता है पेपर के ऊपर, जिससे वो रियलिस्टिक लगता है। अब बहुत सारे बिगनर्स को आपने ये भी करते हुए देखा होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ डिटेल ऐड करते हैं ग्रेफाइट के साथ, लेकिन उनका स्ट्रक्चर सही नहीं है, उनका शेडिंग सही नहीं है, जिसकी वजह से वो सिर्फ वो जो इमेज है वो डिटेल्ड है बट फ्लैट है। तो वैल्यू हमें बेसिकली जो कंटूर्स है वो डेवलप करने में हेल्प करता है। तो आपको बेसिकली वैल्यू इसलिए प्रैक्टिस करना है। अब रियलिस्टिक की हमारी सीरीज़ में ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वैल्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ग्रेफाइट का वैल्यू वाला वीडियो देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। मैं यहाँ पे सिंपली कुछ करूँगा नहीं, अभी मैंने कुछ भी मर्ज नहीं किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले मैं चेहरे को सिंपल चारकोल के साथ शेड कर लूँ और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मर्ज करूँगा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जनरेट करने के लिए। यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी मर्ज नहीं किया है, मैं मर्जिंग के लिए एक कॉटन बड का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं सॉफ्ट चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का जो कि अप्सरा का है। मैंने यहाँ पे बहुत महंगे पेंसिल्स भी नहीं लिए हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ ही ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे पेंसिल्स की ज़रूरत पड़े अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए। तो सिंपल आप पेंसिल ले सकते हो, सिंपल पेपर ले सकते हो क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब ये जनरली ये 20 मिनट्स 30 मिनट्स का स्केच है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ जनरली, और आपको भी इतना ही समय देना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप दे रहे हो तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं है, वो बेसिकली आप एक आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आप ना करें। मैंने कॉटन बड से अब धीरे धीरे इसको स्मूथ करना स्टार्ट किया है। स्मूथ भी मैं सिर्फ इसलिए करूँगा ताकि मैं जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली फेस के वैल्यूज़ वो डिफाइन कर सकूँ, ना कि मैं फेस का टेक्सचर बनाऊँगा। इसलिए मैं, अगर आप देखोगे तो मैं बिल्कुल भी अच्छे से मर्ज नहीं कर रहा चीज़ों को। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे मुझे जिस तरह का वैल्यू चाहिए वो प्रोड्यूस कर सकूँ स्मजिंग के बाद, जहाँ जहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा वहाँ पे आप डार्क करें, जहाँ जहाँ पे आपको मर्जिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मर्ज करें। बेसिक मैंने जब बेसिक शेडिंग करी थी उसके बाद मैंने बेसिक सारी चीज़ें मर्ज कर दी, और अब मैं हाइलाइट्स और शेडोज़ के साथ खेलूँगा इसके ऊपर। जनरली अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत जल्दी आप इफेक्ट देख सकते हो अपने ड्राइंग में, आपको समझ में आया कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। मैंने पूरे चेहरे पे एक मिड टोन सेट कर दिया और अब मैं हाइलाइट्स और शेडोज जहाँ जहाँ पे मुझे डार्कनेस चाहिए वहाँ पे मैं डार्क
पेंसिल का यूज़ करके वहाँ पे डार्कनेस डालूंगा और साथ ही में हाईलाइट भी बनाऊंगा इरेजर के साथ। वापस से पेंसिल के साथ मैंने आईब्रो को शेड किया ताकि वो थोड़ा डार्क हो सके जहाँ जहाँ पे मुझे डार्कनेस चाहिए। अब यहाँ पे मैंने अभी भी एक लाइट सोर्स डिफाइन नहीं किया है, बट अगर आप चाहें तो इसको फिर से एक लाइट सोर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि ग्रेफाइट का मैंने एक ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा है, तो आप उस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ही चेहरे को अलग अलग लाइट सोर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको वैल्यू के बारे में समझ में आए। अब ये फेस टोन के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि फेस का टोन क्या है, उससे वैल्यू में बहुत डिफरेंस आता है। और ये लाइट सोर्स पे भी डिपेंड करता है कि लाइट किधर से आ रही है, फिर लाइट का जो इंटेंसिटी है वो कितना है, तो वो चीज़ भी एक मैटर करती है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिक यहाँ पे जो भी आईज़ का पार्ट है या फिर जो आईब्रो है या नोज़ है या लिप्स है, उसको सिंपली शेड करते जा रहा हूँ, उनको सिंपली मर्ज करते जा रहा हूँ। कुछ भी डिटेल करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि हम डिटेल नहीं करना चाहते, हम बेसिक बेसिक वैल्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने डिटेल के बारे में बात करी थी, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि डिटेल में मैंने आपको यही बताया कि आप किस तरह से डिटेल ऐड कर सकते हैं, और साथ ही डिटेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर आप रियलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हो तो। हमारा आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम ये भी देखेंगे कि और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आप रियलिज्म अचीव करना चाहते हो। ये हमारा चाकुल का रियलिज्म चल रहा है, और इसके बाद हम ग्रेफाइट का भी रियलिज्म करने वाले हैं, और साथ ही में क्रिएचर है जो हम रियलिस्टिक तरीके से अप्रोच में करने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। बेसिकली जो हाइलाइट्स मुझे जहाँ जहाँ पे हाइलाइट्स की ज़रूरत है आइज़ में, आयरिश में, जहाँ जहाँ पे चाहिए, पीपल में चाहिए, वहाँ वहाँ पे मैं इरेजर से मैं इसको एकदम स्मूथ नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ मुझे हाइलाइट्स चाहिए वो बस एरिया में बस मार्क करूँ, ना कि मैं स्मूथ करता जाऊँ या फिर कॉटन बट से ज़्यादा मिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे आर्ट वर्क क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आपको 20 मिनट्स 30 मिनट के स्केचेस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तो जाके आपको समझ में आया कि आपको बेसिकली क्या करना है। फॉरहेड को मैंने थोड़ा सा मुझे लाइट करना था तो मैंने इरेजर से थोड़ा उसको लाइट कर दिया, बट इतना ध्यान नहीं रखा कि कितना उसको स्मूथ रखना है या किस तरीके से मर्ज करना है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करना नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली वैल्यू कैसे प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आपका वैल्यू रॉन्ग है, आपका अगर आपका शेडिंग रॉन्ग है, तो बेसिकली आप रियलिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और चाकुल के साथ आपको शेडिंग और टोन कैसे आप पेपर के ऊपर जो आप चाहते हो वो लेके आ सको, ये बहुत ज़रूरी है करना, वरना आपको आप कितना भी कोशिश करोगे तो वो एग्जैक्ट चीज़ आप बना नहीं सकोगे। आप इंट्रोडक्शन वीडियो पे देख सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ में। साथ ही हमारा पेंसिल के सारे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं सैटरडेज को, और हमारा बेसिक का ऑलरेडी ट्यूटोरियल अपलोडेड है, और साथ में पेन के सीरीज़ और चाकुल का एक पहले भी सीरीज़ अपलोडेड है, आपको अगर वो देखना है, मीडियम कैसे यूज़ करना है तो वो आप देख सकते हैं। पहले आप चाकुल मीडियम के बारे में जान लें, प्रैक्टिस कर लें चाकुल कैसे यूज़ करना है, उसके बाद आप रियलिज्म की तरफ पढ़ें, तो आपके लिए आसान होगा कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करना। यहाँ पे मैं बस हाईलाइट सेट कर रहा हूँ, बेसिक हाईलाइट्स, और आप देख सकते हैं कि मैंने फेस के सारे वैल्यूज़ को डिफाइन कर दिया है, कहाँ पर कितना इंटेंसिटी रहने वाला है, कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर मिड टोन, कहाँ पर है, कहाँ पर हाईलाइट्स कहाँ पर। इसके बाद में अब इसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस ये करना है, और एक बार आपने ये कर लिया तो धीरे धीरे आप इसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं, धीरे धीरे इसमें आप और भी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं कि कौन से छोटे छोटे स्किन टोन हो गए या फिर स्किन के टेक्सचर्स हो गए, ये सारी चीज़ों पर फोकस कर सकते हो, जो कि आपको बाद में काम आएंगे रियलिज्म को अचीव करने में। इसके बाद हमारा कुछ और वीडियोज़ आने वाले हैं रियलिज्म के ऊपर, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहे। अभी तक अभी अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो मैं बेसिक प्रैक्टिस जो है हमारा वो पेंसिल के साथ हम करते रहेंगे, और साथ में मीडियम्स तो हम कर ही रहे हैं। चाकुल के मीडियम को ऑलरेडी एक सीरीज़ अपलोडेड है चैनल पे, तो अगर आपको मीडियम के बारे में जानना है तो आप मीडियम के लिए वो सीरीज़ देख सकते हैं। ये बेसिकली रियलिज्म पे फोकस्ड है। इसके बाद हमारा क्रिएचर का एक सीरीज़ अपलोड होने वाला है, तो आप प्रैक्टिस करते रहें, ये कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ है नहीं। अब जैसे आप देख सकते हो चेहरे पे मैंने सारे वैल्यूज़ को क्रिएट कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कॉन्टूर डेवलप किया है मैंने इस चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ शेडिंग की मदद से, और लाइट एंड शेडो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने डेवलप किया है। अब इसको अगर मैं डिटेल करना चाहूँ तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको रियलिज्म की तरफ लेके जाने के लिए। तो पहला आपका जो पार्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए,
आपका वैल्यू, आपका लाइट एंड शेड, आपका शेडिंग ये सही होना चाहिए, उसके बाद आप डिटेल की तरफ बढ़ोगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।